मेरे घर ना रात का कुछ चावल बच गया था जो कि बना हुआ है ऑलरेडी। इसको तहरी टाइप बनाया हुआ था मेरी सिस्टर ने, और इसके साथ साथ वाइट प्लेन चावल भी बच गया था। तो मैंने सोचा यार अब मैं क्या करूँ, इन दोनों फेंक तो सकती नहीं। फिर मैंने इन दोनों को तैयार किया एक रेसिपी दोनों को मिलाकर। उसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर प्याज टमाटर लहसुन और मिर्च ले लिया। और लहसुन तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिना लहसुन के तो मैं कोई खाना ही नहीं खाती हूँ। और साथ में मैंने लिया एक ही मिर्च, क्योंकि मिर्च बहुत ज़्यादा तीखी थी। तो मैंने सबको एक साथ इसमें कट कर लिया ऐसे ही, मतलब हमारे पास कुछ है नहीं तो ऐसे एक तरीके से कट कर लेते हैं। उसके बाद मैंने क्या किया, कढ़ाई ली। कढ़ाई देखो थोड़ा सा अजीब सा दिखने में लग रहा है, लेकिन ये गंदा बिल्कुल भी नहीं है। एक्चुअली बहुत ज़्यादा रगड़ के धुल दिया इसलिए ऐसा हो गया, क्योंकि ये थोड़ा सा ब्लैक वाला जो कढ़ाई होता है, कुकर होता है, कुछ भी होता है तो ऐसा हो जाता है। उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया सरसों का तेल। अगर सरसों का नहीं है तो रिफाइंड भी यूज़ कर सकते हो आप, मैं कभी कभी रिफाइंड भी यूज़ कर लेती हूँ। और उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया जीरा और साथ में मेथी। और इसका नाम सोचने में मुझे इतना टाइम लगे, क्या है, कहीं ये जो अजवाइन तो नहीं, बट ये अजवाइन नहीं, ये है मेथी। उसके साथ मैंने इसमें थोड़ा सा सरसों ऐड किया, और ये 10 रुपये का थोड़ा सा सरसों मिला था, बहुत ही महंगा है। साथ में मैंने ऐड किया कड़ी पत्ता, जो कि ताज़ा तो मिला नहीं, तो इसलिए गाँव से लेकर गई थी मेरी बहन, तो इसको ऐसे ही मैंने सूखा हुआ है तो वही यूज़ कर लिया मैंने, क्योंकि टेस्ट थोड़ा सा चेंज हो जाता है, अच्छा लगता है। फिर सबको एक साथ मिक्स कर लिया, थोड़ा सा पकने दिया। उसके बाद क्या किया, इसमें जो बाकी कट किया था प्याज लहसुन मिर्च सब कुछ सारी चीज़ें, तो वो सारी चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर दी। और उसके बाद से थोड़ी देर तक इसको भी पका लिया। और टमाटर जो है इसके बाद मैंने कट किया, तो अभी इसको मैं अच्छे से पका लेती हूँ। टमाटर थोड़ा लेट से, मतलब अगर आप ऐड करो इनको थोड़ा सा ब्राउन होने दें उसके बाद से ऐड करो तो ज़्यादा सही होता है। तो उसके बाद मैंने टमाटर भी ऐड कर लिया। और उसके बाद जो भी हमारे पास चीज़ें हों, जैसे नमक तो कंपलसरी है और हल्दी भी कंपलसरी है, अगर कोई मसाला है आपके पास तो मसाला ऐड कर सकते हो। मेरे पास सब्ज़ी मसाला था एवरेस्ट का, वो मैंने यूज़ कर लिया, थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। और गरम मसाला है तो चलो ठीक है, थोड़ा सा वेल एंड गुड। उसके बाद सबको मैंने एक साथ मिक्स कर दिया और थोड़ी देर तक इसको पकने दिया। और पकने के बाद मतलब जो भी चावल जो मेरे पास थी उसको भी इसमें ऐड कर दिया। अभी तो मैं इसको पकाई रही हूँ, पकने जाए और ढक दिया क्योंकि ज़्यादा अच्छे से पक गया। थोड़ा सा पानी इसलिए डाल दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा यू नो टाइट हो गया था, इसलिए पानी डाल के पका दिया तो अच्छे से पक गया। और उसके बाद से मैंने जो चावल है वो ऐड कर दिया इसमें। नमक थोड़ा सा कम ही डाला था क्योंकि रात के इस वाले येलो राइस में भी नमक डला हुआ था, तो मैंने थोड़ा सा कम डाला था। और थोड़ा सा वाइट राइस डल गया इसलिए थोड़ा सा ही डाला था, ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं थी। और साथ ही मैं इसमें वाइट राइस भी ऐड कर दिया, दोनों एक साथ ही ऐड करके पकाएंगे तो अच्छे से पक जाएगा। और उसके बाद से इसको मिक्स करने के बाद मैंने इसको 5 मिनट के लिए छोड़ दिया। और बस उसके बाद से ये 5 मिनट के बाद ये बन के तैयार हो गया। देखो अभी कितना अच्छा दिख रहा है ना, अभी इसको मतलब अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो और अच्छा दिखने लगेगा। तो यस, अभी मेरे मुंह में पानी आ रहा है, मैं काफ़ी टाइम बाद ही एडिट कर रही हूँ फिर भी मेरे मुंह में बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि कब खा लूँ ऐसा लग। तो हमारी रेसिपी बनके तैयार हो गई, और मैं लास्ट में दिखाना भूल गई कि ये कैसा ओवरऑल दिख रहा है मिक्स करने के बाद। और हम सब ने खा भी लिया और इतना टेस्टी था कि पूरा ही ख़त्म हो गया, तो थोड़ा सा लास्ट में बच गया। तो मैंने सोचा कि आपको दिखा दूँ कि यार ऐसा दिख रहा था एटलीस्ट। तो यस, आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा रेसिपी, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।